नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी। देश भर में चुनावी चंदा, इलेक्टोरल बॉन्ड, सुप्रीम कोर्ट जैसे शब्द खूब सुनाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने इलेक्टोरल बॉन्ड को तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी थी। इसके बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आदेश दिया गया कि आप 2019 से लेकर अब तक का पूरा हिसाब किताब हमें बताएं। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला, वकीलों की दलीलें हुई, लेकिन SBI को डेटा देना पड़ा। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? किसने इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाया, किसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया? आज भले ही तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हों, मगर असल लड़ाई किसी और ने लड़ी। इतना ही नहीं, ये कोई पहला मौका नहीं था जब देश के चुनावी ढांचे में सुधार के लिए कवायद की गई हो। इससे पहले भी नोटा, नेताओं के आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक करना जैसे सुधार हुए हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है जो देश के अंदर बीते 25 सालों से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को सुधारने में लगे हुए हैं। आज का विश्लेषण उसी संस्था और उनके फाउंडर्स के बारे में है। चुनावी बॉन्ड पर जब फैसला आया तो चर्चा गलत डायरेक्शन में डाइवर्ट कर दी गई। राजनीतिक दल छाती पीटने लगे, वही दल जो कि कोई भी दूध का धुला नहीं है, मगर 2024 में चुनावी लाभ लेने के लिए इस बेहद संवेदनशील मुद्दे को भुनाने लग गए। आपने ADR का नाम सुना तो होगा, नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पीछे इसी संस्था की मेहनत है। ADR यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की नींव 1999 में रखी गई थी। ये एक NGO है जिसका उद्देश्य चुनावी सुधार करना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दो दिन बाद यानी कि 17 फरवरी को ADR के सदस्य और सुप्रीम कोर्ट पे याचिकाकर्ता ने कहा कि वो अपना मिशन रुकने नहीं देंगे। राजनीतिक व्यवस्था में धन और बाहुबल को कम करना, पॉलिटिकल पार्टियों को अपने कामकाज में अधिक जवाबदेह और लोकतांत्रिक बनाने पे हमारा पूरा जोर है। ADR 1999 में अस्तित्व में आया। दरअसल भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर ने एक विचार किया। प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री, प्रोफेसर जगदीप छोकर और डॉक्टर अजीत रनाडे ने मिलकर क्रिमिनल, फाइनेंशियल और एजुकेशनल बैकग्राउंड के खुलासे से संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट में एक PIL यानी कि जनहित याचिका दायर की। इन्होंने याचिका में कहा कि जो भी उम्मीदवार चुनाव में खड़ा होगा उसको अपनी पूरी जानकारी साझा करनी होगी। साल 2000 में दिल्ली हाई कोर्ट ने जनहित याचिका पर याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश सुना दिया, लेकिन भारत सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। हालांकि 2002 और उसके बाद 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए चुनाव से पहले चुनाव आयोग के साथ एक हलफनामा दायर करके अपनी आपराधिक, वित्तीय और शैक्षणिक पृष्ठभूमि का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया। ADR की ये सबसे बड़ी कामयाबी और जीत थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद नेताओं को तगड़ा झटका लगा, उनको अब हलफनामा दायर करना पड़ा। इससे सभी उम्मीदवारों का रिकॉर्ड हमको और आपको आसानी से पता चल पाता है। इसके बाद 2014 में एक और कवायद शुरू हुई। लोगों के बीच एक चर्चा का विषय यह बना कि अगर हमें चुनाव लड़ रहे किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं करना या हमें वो पसंद नहीं है तो हम क्या करेंगे। लोगों को एक ऐसा अधिकार भी मिलना चाहिए ताकि वो सभी कैंडिडेट्स का बहिष्कार कर सके। इसमें कई सवाल उठे। कहा गया कि अगर आप किसी को, नेता को, उम्मीदवार को पसंद नहीं कर रहे तो वोट ही मत डालिए, लेकिन मताधिकार तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, वोट तो हमको देना है, मगर किसी को वोट नहीं देना है। तब EVM में नोटा का प्रावधान किया गया। इसी में भी ADR की सबसे प्रमुख भूमिका थी और इसी संस्था का योगदान रहा है। पिछले कुछ सालों में ADR ने उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों पर एक विश्वसनीय डेटा स्रोत होने की प्रतिष्ठा भी बनाई है। आज आप किसी भी नेता का प्रोफाइल देखना हो, उसकी संपत्ति देखना हो, तो आप ADR की रिपोर्ट उठा के देख सकते हैं और वो एक विश्वसनीय सूत्र माना जाता है। ADR के अध्यक्ष, संस्थापक सदस्य और ट्रस्टी त्रिलोचन शास्त्री ने एक मीडिया हाउस से बातचीत करते हुए कहा था कि ADR पूरी तरह से न्यूट्रल है और किसी भी राजनीतिक दल का
समर्थन या विरोध हम नहीं करते। हमें लगता है कि हमें अच्छे विधायकों और अच्छे राजनीतिक दलों की जरूरत है जो ईमानदार, सक्षम और स्वतंत्र लोकतंत्र के सार्वजनिक सेवा के लिए प्रतिबद्ध हों। इसके प्रभाव के बावजूद चुनौतियां भी आई हैं। एडीआर चीफ रिटायर मेजर जनरल अनिल वर्मा ने भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि बाहुबली में वृद्धि एक चुनौती है जिसके खिलाफ हम लोग, ये पूरा संगठन सालों से लड़ रहा है। सेना छोड़ने के बाद 2014 में रिटायर मेजर जनरल अनिल वर्मा एडीआर एनजीओ में शामिल हुए। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि संगठन के प्रयासों के बावजूद उस मोर्चे पर बहुत कम सफलता मिली है। वो कहते हैं कि नकारात्मक बात यह है कि हमारा मुख्य एजेंडा राजनीति में बाहुबल और धनबल को कम करना था, लेकिन देश की राजनीति में आपराधिकता लगातार बढ़ती जा रही है। एडीआर के अध्यक्ष प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री ने बताया था कि मेरे मन में एक विचार आया कि ऊंची जगहों में करप्शन हो रहा है। उस समय यानी कि ये बात 1999 की है जब देश के अंदर बोफोर्स स्कैम, चारा घोटाला, इस जैसे बड़े स्कैम सामने आए। तब लगा कि रोजमर्रा की जिंदगी में इससे निपटने से पहले करप्शन को उच्च स्थानों पर पहुंचने से रोकने की सख्त जरूरत है। मैं उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा करने के लिए एक जनहित याचिका दायर करना चाहता था। तब तीन अलग अलग वकीलों ने उनसे बताया कि इस मामले को अगर आपको मजबूत करना है तो खुद का एक संगठन स्थापित कीजिए। प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री ने आईआईटी दिल्ली से स्नातक की डिग्री, आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने एमआईटी और आईआईएम में अपने सहयोगियों से संपर्क किया। इसके बाद में एडीआर की प्रॉपर नींव रखी गई। एडीआर ने साल 2013 के ऐतिहासिक लिली थॉमस मामले में भी इसी तरह का हस्तक्षेप दायर किया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जिस सांसद या विधायक को 2 साल से अधिक की जेल की सजा या दोषी ठहराया गया हो उसे पद संभालने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये वो फैसला था जिसके कारण पिछले मार्च मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी को विवादास्पद रूप से सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। एडीआर की याचिका पर ही दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को एफसीआरए उल्लंघन करके चुनावी चंदा स्वीकार करने का दोषी ठहराया था। यह फैसला मार्च 2014 में आया था और उस वक्त जब वोटिंग से कुछ दिन पहले ही ये फैसला आया था। हालांकि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपनी अपील वापस ले ली, लेकिन इस आदेश के बाद में जब पीएम मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने भारत के राजनीतिक फंडिंग पर कानूनी प्रावधानों पर संशोधन किया, जिसके बाद अब ईबीएस योजना बनाई थी जो कि अब वो भी योजना खत्म हो चुकी है। फिलहाल ये था एडीआर और उसके संस्थापक सदस्यों के बारे में। एडीआर ने चुनावी प्रक्रिया को और उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सन 1999 से और आज तक निरंतर लगे हुए हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला आया इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, वो याचिकाएं भी इसी एडीआर के संस्थापक सदस्यों ने और इनके सदस्यों ने दायर की थी, जिसके बाद सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद इस पर जो फैसला आया उसने सबको चौंकाया। एसबीआई से कई बार नाम मांगे गए, फिर एसबीआई ने पूरा हिसाब किताब दिया कि उसके पास कितना चंदा आया, किस पार्टी को क्या मिला, और अभी भी इस मामले में एक पेंच है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कहा है कि बॉन्डों का जो स्पेशल यानी कि यूनिक नंबर होता है वो भी आप हमें बताइए ताकि हम उससे जुड़ी हर एक जानकारी को सार्वजनिक कर सकें। ये लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी जीत है। ये राजनीतिक दल हजारों हजारों करोड़ रुपया कहां से लाते हैं, वो पैसा किसका होता है, वो कंपनियां कौन सी हैं जो इतनी बड़ी बड़ी फंडिंग करती हैं, इन सब की जानकारी हमको और आपको होना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र में अगर हमारे वोट से ये लोग सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री चुने जाते हैं तो हमारा हक भी बनता है कि हम इसके बारे में या राजनीतिक दलों के बारे में हर एक जानकारी पूरी तरह से मजबूती से रखें। और एडीआर आज इसी तरह से काम कर रहा है और इसने
जो अपनी मिशन बना रखा है कि चुनावी प्रक्रिया में सुधार लाना है, अच्छे ईमानदार और पार्टियां, अच्छे ईमानदार नेता राजनीति में आगे आए और इसी से हमारा यानी कि देश की जनता का और देश के लोगों का भला होगा, तभी हम एक अच्छे मार्ग पे हमारा देश आगे बढ़ेगा।